दोस्तों, आप कैसे अपने मोबाइल से अपने YouTube चैनल के लोगों को चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने अगर कोई लोगो लगा रखा है, अगर आपको लगता है अगर आपको अपने YouTube का लोगो चेंज करना है तो आप दोबारा से कस्टम लोगो कैसे लगा सकते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में कोई ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको एक पेज ले लेना है। आपको यहाँ पर प्लस का निशान दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डेस्कटॉप मोड में सेट कर देंगे। सेट करने के बाद आपको यहाँ पर पेज खुल जाएगा और यहाँ पर आपको डायरेक्टली सर्च कर लेना है यूट्यूब। यहाँ पर यूट्यूब स्टूडियो आपको सर्च कर लेना है और जैसे ही आप यहाँ टाइप करेंगे उसके बाद आपको इस पर क्लिक कर देना है और इसके फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और डायरेक्टली आप अपने स्टूडियो पर आ जाएंगे। तो डायरेक्ट आप अपने स्टूडियो पर आ जाएंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, उसके बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपके मोबाइल में फिर से एक बार जाना है, यहाँ से आपको डेस्कटॉप मोड कर देना है अगर इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद आपको इस तरह से कर देना है। जब आप ये पेज रिफ्रेश होगा तो आपको यहाँ पर एक डेस्कटॉप मोड देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद आपका कुछ पेज का इंटरफेस इस तरह से मिलेगा और आपको यहाँ पर कॉर्नर पर आपका लोगो दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है जिसे चेंज करना। तो यहाँ पर आपको एक योर चैनल ऑप्शन मिलेगा, इस क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ पर पेज खुल जाएगा। पेज खुलने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर कस्टमाइज चैनल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक कर दे रहा हूँ और क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट अपने कस्टमाइज पर पहुँच जाएंगे। तो आपको कुछ इस तरह का यहाँ पर इंटरफेस दिखाई देगा और इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपका आइकन चेंज करना है, आपको लोगो चेंज करना है, तो आपको यहाँ पर कॉर्नर पर जो आपका पुराना लोगो दिखाई दे रहा है आपको उस पर क्लिक कर देना है जो भी है आपका। तो आपका जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक पेंसिल की तरह दिखाई देगा। तो एडिट का ऑप्शन है तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे जब क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको एक नीचे नोटिफिकेशन आएगा, तो यहाँ पर एडिट चैनल आइकन का ऑप्शन मांगेगा, तो आपको एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है ब्लू पर। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो इस तरह का यहाँ पर इंटरफेस दिख जाएगा और आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा एडिट का। तो यहाँ पर आपको एडिट के वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर जाकर आपको कैमरे पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपका जो फोटो अपलोड है या इनमें से जो पहले आपने अपलोड कर रखा है यहाँ से करना है। नया करना है तो आपको अपलोड फोटो पर जाना है और यहाँ पर आपको अपने जहाँ भी फाइल की लोकेशन पर वहाँ पर चले जाना है, तो फाइल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपके लोकेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर साइड में थ्री लाइन दिख रही है, इस पर जा सकते हैं और आपको जहाँ पर पता है आपका फ़ोटो वहाँ से आप उठा लेंगे, तो आपको डायरेक्ट चले जाना है अपनी गैलरी में। तो यहाँ पर मैं लोगो सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर इस तरह से आप जब सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। जब अपलोड हो जाएगा तो आपको बाद में यहाँ पर कुछ सेट करने के लिए मांगेगा, तो आप सेट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर डन कर देना है। डन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर इंटरफेस दिखाई देगा जब चेंज हो जाएगा। नीचे मैसेज आ गया है रीलोड टू व्यू, तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, एक बार रीलोड करना है, थ्री डॉट पर जाकर रिफ्रेश कर देना है। और जब आप रिफ्रेश कर देंगे, रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ से आप कट कर दीजिए। जो आपका यहाँ पर चैनल का लोगो है वो यहाँ पर सेट हो चुका है जैसे कि आप देख रहे हैं। तो आप इसी तरह से ही सेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ये साइज छोटा है तो दोबारा से जाइए और आपको यहाँ पर एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको साइज छोटा बड़ा करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर जिस तरह से आप चाहते हैं इसे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेट करना है उतना ही आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, ऊपर जितना आप सेट करेंगे तो यहाँ पर अपने अनुसार देख लीजिए, तो आपको प्रॉपर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इस तरह से ही, तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद आपको फिर से यहाँ पर डन पर क्लिक कर देना है। डन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ से देखते हैं हम कि किस तरह से यहाँ पर लोगों का साइज आता है। तो आपको कुछ दोबारा से रिफ्रेश होगा और यहाँ पर लगभग इस तरह से आपको दिख जाएगा। फ्रेंड, यहाँ पर आपका लोगो इस तरह से यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। आप चाहें जितनी बार भी इसे कस्टम तरीके से लगा सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर लगता है आपको कोई दिक्कत है तो दोबारा से भी सेट कर सकते हैं। फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू जय हिंद।